चलो मैं संदीप चौधरी मैं थोड़ा स्वागत करता न्यूज़ 18 इन पंजाब दे विच जिथे अज किसानां वल्लों पूरा भारत जिहड़ा है बंद करन दा ऐलान किया गया सी। एक साल पूरा हो चुका है खेती कानून नूं रद्द कराने वास्ते जिहड़ा ये मुहिम जिहड़ी है छेड़ी जा रही है ते इस नूं रद्द कराने वास्ते अज पूरा भारत जिहड़ा बंद है। तुसीं देख सकते हो असीं राजपुरा दे रेलवे स्टेशन ते खड़े हाँ ते जम्मू तवी जिहड़ी है सवेरे जिहड़ी 5:50 ते उर तों राजपुरे तों रवाना हुंदी है लेकिन यह अज इस बंद कारण उरे जिहड़ी है खड़ी है। लेकिन कितें ना कितें यात्री जिहड़े हैगे परेशान तां हो रहे लेकिन किसानां वल्लों जिहड़ा है यात्रियों वास्ते जिहड़ा है पानी का प्रबंध लंगर का प्रबंध जिहड़ा है इन्हां वल्लों कीता गया। इस बंद नूं कामयाब करने वास्ते साडे नाल मौजूद हैं उरे जिहड़े सेवा कर रहे हैं इस बंद नूं कामयाब करने वास्ते की कहना चाहोगे भाजी? बस तां कहना चाहुंदे सी जदों स्टेशन ते आए सानूं पता लग्गिया वी यात्री ट्रेन रुकी हुई है जो शाम नूं चलनी है तां असीं इन्हां सारिआं वास्ते ये साडे राजपुरे जाए हैं सारी ट्रेन दे विच साडे परिवारक मैंबर हैं एक तरह के और असीं इन्हां दी फुल मदद करांगे फुल सेवा करांगे इन्हां वास्ते खाने का बच्चों वास्ते दुध का पानी का कोल्ड ड्रिंक का फ्रूटी का हर इंतजाम इन्हां वास्ते असीं कीता है। थोड़ी देर तक इन्हां वास्ते खाना भी बच्चों वास्ते दुध भी टॉफियां भी हर अरेंजमेंट इन्हां वास्ते असीं पूरा करांगे। असीं इन्हां नूं कहांगे किसी चीज़ नूं घबराने की लोड़ नहीं कोई बाजार तो पैसे की चीज़ खरीदने की लोड़ नहीं तुहानूं साडे राजपुरे तुसीं साडी ट्रेन खड़ी है असीं तुहाडा पूरा सहयोग देवांगे इन्ना ही कहिंदा मैं फतेहगढ़ साहिब। सब की कहना चाहोगे खेती कानून जल्दी जल्दी रद्द होने चाहिए हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पवे? देखो मैं तो मोदी साहब को बेनती करांगा कि क्यों साडी जान कढ़न लगे हो तुसीं जिहड़ा किसानी दा ये मसला है वह जल्दी जल्दी हल कर देन। ये देखो साडे भैन भरा जिहड़े परिवारक मैंबर हैं इस गड्डी दे विच जिन्ने भी बैठे हैं साडे परिवारक मैंबर हैं साडे बच्चों वर्गे हैं ये इन्हां दे बच्चों वास्ते असीं पूरा इंतजाम करन लगे हुए हैं असीं पूरी अपनी टीम नाल खड़े हैं साडे पुराने राजपुरा की पूरी टीम रोबिन जी हैं साडे वरिंदर जरगर जी हैं पूरी टीम ने मौका संभाल लिया बंटी साडे अपना साडे एससी एसटी सैल के चेयरमैन ने पूरा मौका अपना असीं संभाल लिया जी। असीं पूरी तन मन धन ते बच्चों भी हर तरह का टॉफी बिस्कुट जो भी है खाना भी ते पानी भी इन्हां नूं कह के आए गड्डी दे विच जाके सुनेहा ला के आए हैं भी तुसीं फालतू खर्चा नहीं करना अभी तुहानूं पानी की बोतलां भी देवांगे बच्चों फ्रूटी भी देवांगे जो बच्चों नूं टॉफियां चाहिए बिस्कुट चाहिए हैं बच्चों जो भी है बच्चे ये बच्चे साडे बच्चे हैं साडे परिवारक मैंबर है। मैं तो मोदी साहब नूं प्रार्थना करांगा बेनती करांगा मोदी साहब हुण अखां खोल लो साडा किसान मजदूर एकता का हिजला कर दो क्यों तुसीं तुहाडा तुम्हारा तुहाडे दिमाग ते क्यों इह क्यों तुसीं हिला नहीं करदे साडा? धन्यवाद। तुसीं की कहना चाहोगे तुसीं उरे सेवा कर रहे हो सवेर तो गड्डी खड़ी है सवेर की 5:50 तो चलती है यात्री किन्ना परेशान हो रहे हैं? देखो जी यात्री बहुत परेशान हो रहा बेचारे पानी है ना बाहरों जाके फ्रूट लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं असी सुनेहा दिता बार भी जल्दी जल्दी लंगर लेके आओ बेचारे वही ना अपने पैसे खर्ची जान ठीक है ना जी। तो ये कहने मोदी साहब कड़ू पहला भी पंजाब बंद हो पहला भी बहुत सेवा करी इन्होंने 3 महीने हो गए एक गड्डी फस गई कटड़ा वाली वो भी बेचारे क्या कहना बहुत परेशान हो रात के 8 बजे तक ठीक है जी 3 महीने बाद यही काम हो रहा बार बार इनू एक पास हिले लाओ असं मोदी साहब कहने पब्लिक बेचारी सफ़र कर दी अगे पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा रेलवे तो भी अभी सफ़र करते सारी गड्डिया छोटे छोटे स्टेशन से खड़े जिते कोई सुविधा नहीं है ठीक है जी उत्थे लोग भुखे मर रहे हैं बड़े स्टेशन तो फिर भी हल हैगा छोटे स्टेशन पानी भी नहीं मिल रहा पब्लिक नूं आ संभू हो गया सराय बंजारा हो गया और भी गड्डिया खड़िया लेकिन उत्थे है ही नहीं कोई सुविधा और चलो फिर भी कर देंगे शहर वाले। तुसीं देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे जिहड़े हैं यात्रियों के नाल जिहड़े हैं जम्मू तवी च सवार होकर अपनी मंजिल के वल जा रहे थे लेकिन इन्हां नूं शायद कुछ लोगों को यह नहीं पता सी कि किसान अंदोलन ने ऐलान किया कि 27 तरीक नूं जिहड़ा है ये बंद का ऐलान जिहड़ा किया गया सी इन्हां नूं शायद पता नहीं सी ते अज ट्रेनां जिहड़ियां है रुक गईयां ते स्टेशन ते ही जिहड़ा है अपना समय बिताने वास्ते 4 बजे जो असीं पता किया स्टेशन मास्टर तो 4 बजे गड्डी जिहड़ी है उतों रवाना हो सकती
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਚਲੀ ਹੈ ਜੀ ਗਾੜੀ ਇਹ ਸਭ ਜੰਮੂ ਸੇ ਚਲੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਸੇ ਚਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚਲੀ ਸੀ ਗਾੜੀ ਜੰਮੂ ਸੇ ਚਲੀ ਸੀ 12:30 ਵਜੇ 11:45 ਪਰ ਇਸਨੇ ਆਪਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਗਰਾ ਆਗਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਆਗਰਾ ਇਸੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ 2 बजे पहुंचना था। अब क्या इंतजाम जो है इनकी तरफ से जो किसानों की तरफ से इंतजाम किए गए नहीं हैं? कोई इंतजाम नहीं। कैसे लग रहा है आपको? कोई इंतजाम नहीं। पानी वगैरह अभी पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं, सब अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। वो तो यहाँ के भाई लोग मिल गए हैं तो उन्हें लंगर वगैरह लगा दिया है तो उनकी सारी व्यवस्था हो रही है, भोजन वोजन की, पानी आनी दे रहे हैं लाके। आप एक जंक्शन में खड़े हैं, यहाँ बाहर निकलोगे तो सारी चीजें मिल सकती है खाने पीने की, और जो कहीं भी मार्केट बंद है साहब, सुबह से घूम रहे हैं हम लोग, बच्चे परेशान हैं, भूखे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो यहाँ के भाई लोग मिल गए थे। आप क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को, क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्या मांग रखना चाहेंगे, ऐसी क्यों दिक्कत परेशानी आम आदमी? केंद्र सरकार की जो भी समस्या है उसकी समस्या हल की जाए और यात्रियों को परेशान ना किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से है? इनकी समस्या हल करें सर, आगरा आते आए, मोदी जी को सुनना चाहिए, किसानों की बात रखनी चाहिए, कोई भी हो मसला हल करना चाहिए, पब्लिक को परेशानी बहुत हो रही है, हम जैसे आदमी बहुत हैं। ठीक है जी, तुम देख सकते हो कि और भी यात्री की कहना चाहोगे जी, कितने सर? मैं खन्ने तो बैठे हैं जी। सब तो पहले मैं किसान वीरा का धन्यवाद करता है जेड के और लंगर पानी लेके आए नहीं, बाकी साड़ी तो लगता है लंगर पानी दे रहे हैं और एक पानी। हाँ जी, जो जिन्ना उन्होंने को सरदा है पर उन्होंने भी मजबूरी है जेड की मोदी सरकार सुन नहीं रही है। वो बार बार 1 साल हो गया धरने से बैठे हुए हैं, अज उन्होंने मजबूर होके एक कदम चकना पै रहा है पूरा एक। हाँ जी, बॉर्डर पे बैठे। हाँ जी, असं सारे वीर उन्होंने नाल हैं पर साड़ी मजबूरी है सफर करना, असं मजबूरी के विच असं लेट जरूर पहुंचांगे पर असं किसान वीरां दे नाल है। मैनूं लगता है तुसीं यात्रा जिहड़ी है करके आए हो, माता वैष्णो देवी जाके आए हो, की कहना चाहोगे जिहड़ा हुण तुहानूं रे इंतजार करना पै रहा है? अरे काफी देर से पड़े हुए हम तो, हम आगरा जाना है अभी। आगरा जाना है, क्या कहना चाहोगे आप? हमको ये कहना चाहना है कि मोदी जी सरकार को किसान की व्यवस्था करनी चाहिए पूरी, कोई परेशान किसान ना हो। भाई किसान परेशान तो तुम्हारी सरकार बेकार। ठीक है, आप तुसी सुन सकते हो, तुसी सुन सकते हो, मैं तुहानू दिखावांगा छोटे छोटे जिहड़े बच्चे हैगे, महिलावां हैगियां जिहड़ियां, क्या कहना चाहेंगे आप परेशान हो रहे हो आप सुबह से यहाँ पे बैठे? बस जी चाहने भाई जी गाड़ी चलू था, गाड़ी तो 4 बजे यहाँ से जाएगी, क्या कहना चाहेंगे, बच्चे परेशान हो गए? हाँ, हमें खाने वाने के लिए बच्ची बचने के लिए जरूरत है। तुसी देख सकते हो कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, तुसी इस चीज़ को देख सकते हो कि सरकारों तो मंग की जा रही है, यात्री भी जोड़े है सरकारों तो यही मंग कर रहे हैं कि जल्दी तो जल्दी है खेती कानून का कोई हल किया जाए ताकि यह जी परेशानियां जड़िया हैं देखने ना मिलन। की कहना चाहोगे भाजी? असं तो यही कहना चाहते जी, बच्चों वास्ते लंगर तैयार है जी, इतने थोड़ी देर से असं 10-15 मिनट तुम लंगर भी देंगे, नाल बच्चे वास्ते दुध भी देंगे। बाहर केड़ी संस्था वालों? साड़ी कोई संस्था नहीं है जी। तुसी मतलब दस समर्थन? हाँ जी, हाँ जी, असं पुराने राजपुरे तो असं लंगर लगा रहे, ट्रेन खड़ी इस वास्ते। ठीक है जी, अभी तुम अभी तुम ट्रेन के जम्मू तभी जी खड़ी है, आपू अंदर भी जोड़ा है जाके एक बार आप देख लें कि उरे यात्रियों का जोड़ा क्या हाल है। तुम देख सकते हो कि लोग गर्मी के जोड़े हैं इस टाइम जोड़े परेशान हो रहे हैं, तुम देख सकते हो कि महिलावां भी, क्या कहना चाहोगे भैया आप सुबह से? सवेर तो बैठे हैं, तंग हो रहे हैं। कितों आए हो? संगरूर तो। कितने जाना? पुणे। पुणे जाना है तो 4 बजे गड्डी तुरेगी, खाण पीन कुछ मिला? हले तक तो कुछ नहीं आया। तो हूँ उन्होंने वालों ऐलान किया गया बाहर किसानों वालों की खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, की कहना चाहोगे? कहता रहे हूँ आऊगा देखते हैं। तुसी देख सकते हो कि असी जम्मू तवी दे विच जिहड़ा हैगा तुहानू इहदा हाल जिहड़ा हैगा न्यूज़ 89 पंजाब जिहड़ा लाइव तुसी देख सकते हो तस्वीरां दे विच, महिलावां जिहड़ियां हैगियां परेशान हो रही हैं, बच्चे जिहड़े इहनां दे नाल सफ़र कर रहे हैं जम्मू तवी इस गड्डी दे विच जिहड़ी राजपुरे तो सवेरे 5:50 तौर तो रवाना हुंदी है, लेकिन किते ना किते ये लोग जिहड़े हैं इस किसान अंदोलन जिहड़ा सरकारां वल्लों किसानां दीआं गल्लां ते मंगां नहीं मन्नी जा रही है तो इहदा खमियाजा जिहड़ा है कि आम पब्लिक नूं जिहड़ा है भुगतना पै रहा है, लेकिन कितने ना कितने किसानों वालों रेलवे स्टेशन पर जिहड़ा है पानी का इंतजाम खाने का इंतजाम भी लगातार किया गया। तुसीं देख सकते हो कि जिथे तक नज़र दौड़ाई जाए लोग जिहड़े हैं स्टेशन तो बाहर कुछ रेल गड्डी के अंदर तुहानूं बैठे हुए नज़र आएंगे, तो हुण देखना यह होएगा कि यह बंद का किन्ना असर आता है केंद्र सरकार ते ते जिहड़े कानून हैगे एक हद तक रद्द होणगे। राजपुरा तो कैमरामैन ललित कुमार दे नाल मीडिया परसन संदीप चौधरी, न्यूज़ 89 पंजाब।